गुड इवनिंग बच्चों, नमस्कार नमस्कार यार, जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा, आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने रियल टाइम में बहुत सारे टॉपिक खत्म कर दिए यार, ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। शुरुआत करेंगे यार सफलता बैच में, आप सबका बच्चों स्वागत है। उसके बाद अगर बात की जाए सीएस अनअकैडमी की, तो बच्चों इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग ऐप अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है बहुत सारी फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस। और अगर आप प्लस पे कोर्स लेते हैं तो वहां पे आपको आइकॉनिक कोर्स और प्लस कोर्स दोनों अनअकैडमी आपको प्रोवाइड करवाता है। इसके दो अबाउट्स भी बच्चों, अनअकैडमी आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग सेशन, बहुत सारे सेशन आपके पास होते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो आपको करना क्या है बच्चों, कुछ नहीं करना, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद अगर आपको मेरी कोई भी फ्री क्लास अगर वॉच करनी है तो उसके लिए भी आपको कोड यूज करना है JBLIVE10। और फिर से इसके अलावा भी अगर आप बच्चों आइकॉनिक या फिर प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कोड यूज करोगे तो अनअकैडमी आपको अलग से 10% डिस्काउंट प्रोवाइड करेगा। चलिएगा जल्दी से कनेक्ट हो जाइएगा बच्चे सारे के सारे। दिस इज ऑल अबाउट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर CSIR UGC NET और every batch, every Wednesday। यानी कि यार आपके पास अगर आप CSIR NET के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए हर वेडनेसडे एक नया बैच लॉन्च हो रहा है। तो कोई भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है तो यार भूले ना, JBLIVE10 कोड अलग से 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। उसके बाद यार ये देखो बच्चों, March 28 यानी कि संडे को केमिकल साइंस में अनअकैडमी 30 क्वेश्चंस का आपके लिए लेके आ रहा है टेस्ट। अगर कोई बच्चा फर्स्ट और सेकंड रैंक पे आता है तो 100% स्कॉलरशिप है 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के ऊपर। 3-2 अगर आपके पास 10 रैंक आती है तो 75% स्कॉलरशिप है। और अगर बात करें 11-35 तो 50% स्कॉलरशिप है। आप तो दे सकते हैं टेस्ट, तो देके कर सकते हैं आप, क्योंकि पढ़ ही रहे हैं सफलता बैच में, सब कुछ आपका फ्री चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारी लाइव क्लासेस आपकी बच्चों चल रही हैं। उसके बाद अगर बात की जाए यार, देखो आज हम आगे बढ़ेंगे, लेट्स क्रैक CSIR NET जून 2021 जो हमारा टारगेट है। मनीष कुमार गुड इवनिंग, माही मलिक, शुभेंदु, अनुपमा वर्मा, बच्चों गुड इवनिंग। शुरुआत करते हैं, आगे इस सेशन को लेके चलते हैं। और बच्चों कल के सेशन में हमने खत्म किया था, याद करो आज का जो रिजेंट का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 23। प्रशांत कुमार गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। शुरुआत कर रहा हूं मैं, आज हमारा है रिजेंट का लेक्चर नंबर 23। यार बच्चों ऑक्सीडेशन की अगर बात की जाए तो मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवाना चाहूंगा, पहले वाले लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा है एक बार फिर से देख लीजिएगा। यार मैं बता देता हूं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन का हमने फर्स्ट पार्ट शुरू किया था। ऑक्सीडेशन फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था बताओ जल्दी से। पहले पार्ट में ऑक्सीडेशन में सर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्रोमियम मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्रोमियम मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यार बच्चों ये सब आपका क्लियर हो गया होगा। ऑक्सीडेशन हमारा शुरू हुआ था लेक्चर नंबर 20, 21, 22, तीन ऑक्सीडेशन के आपके लेक्चर हो चुके हैं, सही है। और हमने खत्म क्या क्या कर दिया अभी तक, देखो बच्चों अगर मैं बात करूं लेक्चर नंबर 20 से लेके लेक्चर नंबर 20, लेक्चर नंबर 21, लेक्चर नंबर 22, इन सब लेक्चर में हमने ऑक्सीडेशन शुरू किया था। इससे पहले 19 लेक्चर आपके रिडक्शन के हैं। क्रोमियम मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात हुई थी, एक एक आपको याद हो गया होगा, मुझे रिवाइज आपको भी एक बार रिवाइज जरूर कर लेना चाहिए। कौन कौन से पढ़े याद रखना सर, सबसे पहले हमारे पास हमने जोन्स रिएजेंट पढ़ा सर, एक हमने कोलिन्स रिएजेंट पढ़ा। बोलो यार सबके फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इसमें हम क्या क्या स्पीसीज हम यूज करते हैं। तीसरा हमने सर यहाँ पे हमने कवर किया था PCC और नंबर 4 हमने कवर किया था सर PDC। बोलो यार, इसी में नंबर 5 हमने पढ़ा था सैरोट ऑक्सीडेशन, सही है। फिर आपने यहाँ पे भी देखा सर जब हम पीसीसी पढ़ रहे थे तो अगर हमारे पास टर्शरी बहुत बढ़िया है ऐसे कमेंट करते रहा करो ताकि आपको भी रिवाइज होता रहे, सही है ना। ये सब लेक्चर नंबर 20, 21, 22 की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। पीसीसी में सर एक हमने बाबलर ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट और पढ़ा था, बाबलर ऑक्सीडेशन पढ़ा था बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट था सर। अगर मेरे पास टर्शरी एलाइलिक एल्कोहल आता है तो उसको हम चेंज करते हैं, किसमें चेंज करते हैं,
सर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनल कंपाउंड में बाय यूजिंग पीसीसी, जिसमें हमारे पास एक रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही थी, क्या बच्चों बाबलर ऑक्सीडेशन में जो हमारी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, क्या आप उस रिएक्शन का नाम बता सकते हो? जल्दी से कमेंट करके बताओ मेरे को, बाबलर ऑक्सीडेशन में आपके पास कौन सी रिएक्शन इन्वॉल्व होती है, जल्दी से बताइएगा बच्चों, कमेंट में आपसे सुनना चाहूंगा। और इसके बाद जल्दी से बताओ भाई साहब, जल्दी से बताओ। हाँ, स्वर्ण ऑक्सीडेशन, स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ा, लेकिन मुझे आप बताइएगा बाबलर ऑक्सीडेशन के हमारे पास किस रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड होता है बाबलर ऑक्सीडेशन, कमेंट करके बताओ यार, सुनना चाह रहा हूं मैं आपसे। अगर आप पढ़ रहे हो तो आप जवाब जरूर दे दोगे। वेरी गुड, जवाब आ गया है यार, विवेक ने जवाब दे दिया है, 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक, वेरी गुड वेरी गुड। देखो भाई आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सर हमने लास्ट क्लास में खत्म किया था, क्या किया था सर, हमने पढ़ा स्वर्ण ऑक्सीडेशन एंड स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन, याद है स्वर्ण ऑक्सीडेशन, यानी सर नंबर 6 में हमने शुरू किया था DMSO एज ऑक्सीडेंट, ये हमारा ऑक्सीडेंट का कैसे बिहेव करता है। तो वहां आपने पढ़ा स्वर्ण ऑक्सीडेशन, स्वर्ण ऑक्सीडेशन के लिए आपको पता होना चाहिए सर यहाँ पे DMSO होगा, दूसरा ऑक्सलाइल क्लोराइड होगा, और सर हमारे पास यहाँ बेस होगा, माइल्ड कंडीशन पे हम रिएक्शन करवाते हैं यूजुअली एट लो टेम्परेचर, यहाँ पे हमारा स्वर्ण ऑक्सीडेशन होता है। बोलो यार, कर लोगे बच्चों? इसके बाद अगर सर मेरे पास यहाँ पे स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन की कंडीशन अगर हम लिखे, इसी में सर हमने एक काम खत्म किया था, दैट इज स्वर्ण ऑक्सीडेशन। अब बच्चों इसी को आगे लेके चलूंगा, एक एक रिएजेंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। बताओ यहाँ क्या था सर, यहाँ पे कंडीशन सारी सेम थी, DMSO था, COCl2 था, COCl का ट्वाइस था, ऑक्सैलाइल क्लोराइड था, लेकिन यहाँ बेस नहीं होता, टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं 0°C। तो यहाँ पे तो स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन हमारे पास हो जाता है, क्या हो जाता है स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन। आपने कहा था सर कुछ नहीं करते, बस यहाँ पे हमारे पास OH जो आएगा उसकी जगह हम Cl लगा देते हैं, कर लोगे यार? यहाँ तक किसी भी बच्चे को किसी भी रिएजेंट में कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा, फिर कहानी शुरू करते हैं, फिर कहानी शुरू करते हैं भाई साहब। absence of base, very good very good माही मलिक, very good। हाँ, SN2 mechanism, हरी सिंधे, very good very good very good। यहां तक बताओ बच्चों, देखो टिप्स पे होने चाहिए रिएजेंट ना, रटन हमें सीखना है, समझना है, फिर याद रखने हैं। अभी तक देखो बच्चों कितने रिएजेंट आए हैं, तुरंत एक एक रिएजेंट आपको याद होना चाहिए। सर क्रोमियम मेटल बेस जा गया, मुझे सब पता है, जोन्स होता है, कोलीन होता है, PDC होता है, PCC होता है, सेरोटोक्सीडेशन होता है, पांचों मैंने याद कर लिए सर। उसके बाद आ गया हमारे पास DMSO ऑक्सीडेंट, सर इसमें दो केस बनते हैं, एक स्वर्ण ऑक्सीडेशन और एक स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन। चलिएगा यार आगे बढ़ते हैं, नंबर सात, ये नंबर 6 था DMSO ऑक्सीडेंट, नंबर 7 पे आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास बिल्कुल एक एक चीज को अच्छे से समझते हुए चलना है, सही है? देखो यार यहाँ पे हम क्या लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, बेसिकली MOFET ऑक्सीडेशन की हम बात करेंगे, इसकी बात करेंगे MOFET ऑक्सीडेशन। बच्चों अब हम बात करने वाले MOFET ऑक्सीडेशन की, जल्दी से मेरे को भाई ये पकड़, टिप्स पे क्रिस्टल क्लियर है सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यार ये हुई ना बात, इससे मुझे खुशी होती है, जो मैं काम करवा रहा हूँ वो आप सब बच्चों को अच्छे से समझ आ रहा है, कर लोगे? बहुत भाई बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया यार, ऐसे अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं यार, MOFET ऑक्सीडेशन, ये देखो बच्चों सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे भी हमेशा बच्चों हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल ही होगा, एक्सिड है, यहाँ पे भी हम किसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। कमाल की बात, यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज, MOFET ऑक्सीडेशन की खास बात, हर टाइप का अल्कोहल यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा। अब आप कहोगे सर इस रिएक्शन में, ध्यान दीजिएगा मैं लिख देता हूं, ध्यान देना, MOFET ऑक्सीडेशन से ऑल टाइप ऑफ अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज्ड। अभी देखो मैंने यहां बताया नहीं है कि यहां पे क्या रिएजेंट यूज करते हैं, लेकिन इसकी इसकी विशेषता क्या है इस रिएक्शन की, वो मैं यहां आपको बता रहा हूं, सही है? और दूसरी बात यहां पे बच्चों ये होती है,
ओवर ऑक्सीडाइज्ड, ओवर ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड, यानी कि सर यहां पे भी हमारे पास ओवर ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, यानी कि प्राइमरी एल्कोहल आ गया तो सर बना देंगे एल्डिहाइड, सेकेंडरी एल्कोहल आ गया तो बना देंगे कीटोन। सही है, दोनों बातें आपको क्लियर होगी बच्चों। अब यार आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं, तो देखो यार मोफेट ऑक्सीडेशन में भी हमारे पास यहाँ पे भी डीएमएसओ यूज होता है, ध्यान देना यहाँ पे भी कौन आएगा डीएमएसओ, रिएजेंट की बात कर रहा हूँ, मोफेट ऑक्सीडेशन का रिएजेंट क्या होता है डीएमएसओ के साथ। यार स्वर्ण ऑक्सीडेशन में बच्चों हमने यूज किया था ऑक्सलाइल क्लोराइड, लेकिन यहाँ यूज करते हैं डाईसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडीनामाइड, यहाँ पे यूज करते हैं डीएमएसओ के साथ डीसीसी, ये कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। और यार साथ में लेते हैं एसिड का मिक्सचर, अब एसिड के लिए यहाँ पे या तो आपको लिया जाएगा जनरली NH4Cl के साथ वाटर का मिक्सचर देगा इस रिएक्शन में, या फिर बच्चों दूसरा यहाँ पे आपको मेंशन करके देगा आपके पास FePPO4, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड आपको यहाँ मेंशन करके देगा। ये हमारा होता है रिएजेंट स्वर्ण मोफेट ऑक्सीडेशन का, ये हमारा होता है रिएजेंट, यानी कि सर स्वर्ण ऑक्सीडेशन की अगर बात की जाए तो वहां पे भी डीएमएसओ था और यहाँ पे भी आपका डीएमएसओ है। सही है, अब देखो यार यहाँ पे क्या होगा बच्चों ध्यान देना, अब आप सोच रहे होगे सर ये डीसीसी क्या है, मैं इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। देखो यार, देखो बच्चों यहाँ पे रिएजेंट में आपके पास क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखो सबसे पहली बात तो अगर मोफेट के रिएजेंट की बात की जाए, मोफेट ऑक्सीडेशन के रिएजेंट को समझना यार, मैकेनिज्म जरूरी है इनका समझना, मैकेनिज्म से हम रिएक्शन प्रोसीड करवाएंगे। देखो वेरी सिंपल यार, डीसीसी क्या होता है, सबसे पहले डीएमएसओ सर डाई मिथाइल सल्फर ऑक्साइड होता है, ये हमारा होता है डीएमएस। सही है, दूसरा रिएक्शन में आपके पास किस रिएजेंट में डीसीसी यार डाई हेक्साइल, देखो दो हेक्साइल ग्रुप रहेंगे और आपके पास डीसीसी होता है, मैं फिर से बोल रहा हूं डाई साइक्लो एक्साइल कार्बोडीमाइड। कार्बोडीमाइड क्या बनेगा पहले तो ये देखो, कार्बोडीमाइड क्या बनेगा, देखो कुछ नहीं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये होता है आपका डीसीसी। देखो भाई साहब ये डीसीसी होता है, उसमें हम स्वर्ण ऑक्सीडेशन में इसकी जगह क्या यूज करते थे, स्वर्ण ऑक्सीडेशन में हम यहाँ पे यूज करते थे ऑक्सैल क्लोराइड, ऑक्सैल क्लोराइड। सही है, ये बनेगा। अब देखो इतनी कहानी तो आपके पास हो गई, और दूसरा है यहाँ पे CH3COOH एसिड लिया जाता है, हाँ यार एसिड की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है, मैकेनिज्म में आपको समझ आ जाएगा भाई, एसिड लेते हैं हम, एसिड की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है, एसिड में लिख देता हूँ H+, वो हमने ले भी लिया है। सही है, तो ये हमारा रिएजेंट होता है। तो बच्चों अब यहाँ पे हमें इसके मैकेनिज्म को समझना है, मैकेनिज्म बिल्कुल आसान है, देखते रहिएगा इसके मैकेनिज्म में क्या होगा। आ जाओ यहाँ पे किस तरीके से हमारे पास, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास जो स्पीसीज बनेगी इंटरमीडिएट स्पीसीज, जैसे स्वर्ण ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारी एक्टिव स्पीसीज बन रही थी, यहाँ पे हमारी एक्टिव स्पीसीज क्या बनेगी, हमें सबसे पहले वही चेक करना है यहाँ पे हमारे पास एक्टिव स्पीसीज क्या बनेगी। यार देखो मैकेनिज्म शुरू कर रहा हूँ, थोड़ा समझना यार, आराम से समझेंगे। ये हमारे पास है डीसीसी, डीसीसी में हमारे पास क्या है सर, नाइट्रोजन डाईसाइक्लो एक्साइल कार्बोइमाइड, ये आपके पास है। अब देखो क्या होगा यार, सबसे पहले सर हमने यहाँ पे ना एसिड यूज किया हुआ है बच्चों, एसिड आएगा तो H+ आएगा, यहाँ पे आप सबको दिख रहा होगा सर दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर किसी के पास चला जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड है तो ये लोन पेयर आपका रेजोनेंस में नहीं जाता, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये लोन पेयर आपका sp2 में बैठा हुआ है और इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन सर sp2 होती है, तो यहाँ पे हमारे पास H+ जाएगा तो आपको पता है यहाँ पे क्या केस अराइज होगा, थोड़ा ध्यान देना यार। जिस तरीके से कार्बोनाइल कंपाउंड केमिस्ट्री में हम एसिड लेते हैं, हमें पता है कार्बोनाइल ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल के लिए ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, अब इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जाने से इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव,
अब आपको पता है सर यहाँ पे हमारे पास क्या केस अराइज हो सकता है। देखो बच्चों, अब हमारे पास रिएक्शन में कौन प्रेजेंट है? डीएमएस। ध्यान देना भाई, यहां मैं बना रहा हूं। देखो डीएमएसओ है, तो डीएमएसओ क्या करेगा यहाँ पे? अब फिर से क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया है, तो यार इस वाले सेंटर, ये वाला सेंटर हमारा कैसा हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर उठ के आएंगे और इसी बात का फायदा उठाएगा डीएमएसओ। डीएमएसओ इस पोजीशन पे अटैक कर देगा। यार इतना समझ आया है या नहीं आया, जल्दी से बताओ बच्चों, बोलो यार। यार हमें यहाँ एक्टिव स्पीसीज पढ़नी है कि हमारी एक्टिव स्पीसीज क्या बनेगी यहाँ पे, कर लोगे? कर लोगे? चलो आगे देखो, आगे आगे चलते हैं। इतना काम हो गया। अब यार इस ग्रुप के साथ ये आपका जाके जुड़ जाएगा। अब यार मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। यार देखो, अब मैं जो आपके पास ये हेक्साइल रिंग है ना, साइक्लो हेक्सेन है, इसको मैं सी वाई से रिप्रेजेंट करूंगा अब शॉर्ट फॉर्म में, ताकि हमारे पास आसानी रहे। तो क्या बनेगा? देखो इस पर अटैक करवाऊंगा, ध्यान देना, यहां लिख रहा हूं भाई साहब ऊपर, यहां हमारे पास बना रहे हैं। क्या बनेगा? बिल्कुल आसान। देखो मैकेनिज्म देखो सर, यहाँ पे पी वाई है, सॉरी पी वाई कह रहा हूं, पाइरिडीन नहीं, सी वाई है, नाइट्रोजन इस कार्बन के साथ, इस नाइट्रोजन के ऊपर एच है, क्योंकि ये इधर शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका खत्म हो गया है, और यहाँ पे हमारा सी वाई लगा हुआ है, साइक्लोहेक्सेन, ये मैंने लगा दिया सर। इस कार्बन के साथ ये वाला ऑक्सीजन जाके जुड़ गया है, और सर ये सल्फर के साथ डबल बॉन्डेड है हमारा डीएमएस। ऐसा करने से इस ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। भाई साहब ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब बताओ आप क्या होगा? यार हमारे पास ना देखो सेम उसी तरह की एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बनेगी जो स्वर्ण ऑक्सीडेशन में बन रही थी। यार ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा हमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे ले जाना होता है। यार इससे आगे का मैकेनिज्म मैं नेक्स्ट स्टेप में लेके चल रहा हूँ। देखो जहां तक आपको समझ आ गया होगा बच्चों, देखो क्या था सर जी, यहाँ पे सी वाई था, सी वाई के साथ आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा हुआ था, ये कार्बन डबल बॉन्ड था, यहाँ एन एस था, यहाँ सी वाई था, ये हमारे पास यहाँ पे एक्टिव स्पीसीज बनेगी। एक्टिव स्पीसीज समझना भाई साहब, ऑक्सीजन, अब देखो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया है, अब पॉजिटिव चार्ज हमारा आ गया सल्फर पे। यार ये हमारी एक्टिव स्पीसीज है, ध्यान दीजिएगा, फॉर मोफेट ऑक्सीडेशन, एक्टिव स्पीसीज फॉर मोफेट ऑक्सीडेशन, एक्टिव स्पीसीज ये बनेगी हमारी एक्टिव स्पीसीज। अब हमारे पास जो सबस्ट्रेट होगा, यार अब सबस्ट्रेट यहां अटैक करेगा। मान लो यार हमारे पास सबस्ट्रेट है RCH2OH, हमारे पास ये सबस्ट्रेट है RCH2OH, तो देखो जिस तरीके से हमने स्वर्ण ऑक्सीडेशन में अटैक करवाया था, सेम वैसे ही यहाँ पे हमें अटैक करवाना है, सही है? तो जब आप अटैक करवाओगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान से समझना। देखो यार यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन वाला स्टेप यूज करना है, ये यहाँ अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे। समझना एक बार सर, यहाँ पे मेरे पास हुआ क्या है, देखो ध्यान से समझना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। पहले तो ये देखो ये क्या बन जाएगा, सर R था CH2 था, यही था ना, R था CH2 था, सही है? और यहाँ पे हमारे पास ये जो ऑक्सीजन था ये सल्फर के साथ जाके जुड़ गया, और यहाँ पे H+ वाटर पे आएगा, OH पे आएगा, वो रिलीज हो जाएगा, हमारे पास ये केस बन गया। अब देखो बच्चों खास बात देखो, यहाँ पे खास बात देखो, ये तो सर हमारा ये बन गया, अब इधर क्या चेंजमेंट आएगा, जो दूसरी स्पीसीज है साइड वाइज, दूसरी स्पीसीज यहाँ क्या बनेगी? देखो सी वाई इस नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन, ये सर हमारा NH, ये सी वाई, और सर यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड O, यार ये यहाँ स्पीसीज बन जाएगी। अब आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो ये किसका काम करेगा भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, वो आपके पास यहाँ पे रिएक्शन में आपके पास यहाँ बेस बन गया है, ये बेस का काम करेगा, और हमारे पास जब ये बेस का काम करेगा ना सर, यहाँ पे हमारे पास किसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ध्यान दीजिएगा, देखो देखो ये आपके पास इस वाले प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब इस वाले प्रोटोन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो इस वाले प्रोटोन के जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये इधर शिफ्ट करेंगे, और यार यहां से ना
आपके पास जो स्पीसीज रिलीज होगी यार, यहां से ये जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि सर इस पे पॉजिटिव चार्ज था। तो जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो यार क्या बन जाएगा सर, आर आर के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या था, सी सी के साथ एच, और ये बन गया डबल बॉन्ड। और सर यहां से हमारा रिलीज हो जाएगा Me2S। बताओ यार बच्चों, समझ आया है नहीं आया? और दूसरी स्पीसीज हमारे पास क्या बन जाएगी यार, देखो ये वाली स्पीसीज यहाँ से H+ बनने के बाद क्या ले लेगा, देखो यार, देखो 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 देखो, ये तो प्रोडक्ट बन गया। ये वाला किसमें चेंज हो जाएगा प्रोटॉन लेने के बाद, ये हमारी स्पीसीज चेंज हो जाएगी सर CY, CY के साथ यहाँ पे NH, C डबल बॉन्ड O, NH, CY। यार ये यूरिया टाइप सिस्टम नहीं बन गया भाई, यूरिया नहीं बन गया, सब्स्टिट्यूटेड यूरिया नहीं बन गया। तो आपका साइड प्रोडक्ट क्या बनता है इसमें, सब्स्टिट्यूटेड यूरिया। अरे बोलो यार, एक आपका क्या बन गया Me2S, के पास क्या बन गया Me2S। जल्दी से बताओ भाई साहब, जल्दी से बताओ कितने बच्चों को क्लियर हो गया, कितने बच्चों को क्लियर हो गया भाई साहब, जल्दी से बता दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यार किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, देख लो आप, देख लो EMS तो हमारा ऑक्सीडेंट आता है, तो DMS तो ऑक्सीडेंट दो प्रकार की रिएक्शन करवाता है, एक स्वर्ण ऑक्सीडेशन और एक हमारे पास MOFET ऑक्सीडेशन। आपसे पूछा भी जा सकता है, सही है ना यार, आपसे पूछा भी जा सकता है। स्वर्ण ऑक्सीडेशन ध्यान रखना, यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ क्या क्या कंडीशन थी सर, DMSO था, बार बार इसीलिए लिखता हूँ ताकि आपको बातें याद हो जाएं, आप कंफ्यूज ही ना हो, इतनी बार चीजों को देख लो कि दिमाग में ही बात चली जाए। MOFET ऑक्सीडेशन में क्या लेते हैं सर जी, DMSO सेम रहेगा, इसकी जगह आ जाएगा DCC, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एसिड, बोले तो H+। ये हमारे पास MOFET ऑक्सीडेशन होता है, ये स्वर्ण ऑक्सीडेशन होता है, कर लोगे? बस ध्यान रखना यहाँ पे कोई ओवर क्या बोलते हैं, ओवर ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट इन ऑक्सीडेशन में नहीं पड़ता, नहीं बनता आपका, सही है, कर लोगे? हाँ, अगर स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन की बात करोगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कब होगा, हाँ अगर यहाँ पे बेस इज नॉट प्रेजेंट, इफ बेस इज नॉट गिवन, तो फिर सर हमें पता है वहां हमारे पास क्या हो जाएगा, स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन। यार इतना रिपीट करने के बाद, इतना समझाने के बाद आप तो नहीं भूलोगे, जनरली नेम रिएक्शंस में लास्ट में स्टेप आपको देखने को मिलेगा, और CSIR नेट के एग्जाम में कई बार यहां से सवाल पूछा गया है। कर लोगे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब जो हम करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा,
मोस्ट इंपोर्टेंट रिएजेंट है। अगला रिएजेंट कवर करते हैं। देखो यार बच्चों, आपने पांच पढ़े क्रोमियम बेस्ड, एक बार फिर से याद करते हैं अभी तक हमारे पास कितने ऑक्सीडेशन के रिएजेंट हो गए। सब कमेंट करेंगे, सब जो भी बच्चा पढ़ रहा है ना तुरंत कमेंट कर देगा। सर क्रोमियम बेस्ड हमने पढ़ा जोन्स, कोलीन, पीसीसी, पीडीसी और नंबर पांचवा हमने पढ़ा सर वहां पे सैरोट ऑक्सीडेशन। फिर सर हम आ गए डीएमएसओ बेस्ड। सर डीएमएसओ बेस्ड पे हमने दो पढ़ लिया, अब कौन कौन से, एक सर स्वर्ण ऑक्सीडेशन और एक सर हमारा हो गया मोफेट ऑक्सीडेशन। कर लोगे, समझा नहीं समझे, साइड वाइज रिएक्शन होगी सर? यार बच्चों यहां ना इन ऑक्सीडेशन में स्पेसिफिक है, कोई साइड वाइज रिएक्शन अगर हमारे पास मेंशन करके देता है तो जहां भी एच प्लस होगा वो हो जाएगी, सही है ना। लेकिन यहाँ ओवर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कैंडोज ओवर ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मैं ये कह रहा था इन दोनों ऑक्सीडेशन में, सही है यार। अब नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने सात ऑक्सीडेशन के केस पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट केस हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक नए मेटल को देखते हैं यार। ये हमारा रिएजेंट है फैटी जोन रिएजेंट, ध्यान देना भाई साहब, फैटी जोन रिएजेंट यार ये इंपोर्टेंट रिएजेंट है क्योंकि ये कई काम करवाता है, कैमोसेलेक्टिव रिएजेंट होता है, लिख लेना वेरी 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 इंपोर्टेंट, ध्यान देना भाई साहब, फैटीजोन रिएजेंट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है और सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए, और हम इसको कवर करेंगे बिल्कुल आराम से, कोई समस्या आपको नहीं होगी। जल्दी से एक बार सारे बच्चे, बहुत बढ़िया, काफी बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, ऐसे ही आप मेहनत करते रहो, डेफिनेटली आपको मजा आएगा, एक एक चीज आपकी कवर होगी। चलिएगा यार, इस रिएजेंट की खास बात हमारे पास क्या होती है, सबसे पहले तो रिएजेंट ही हमें पता होना चाहिए, रिएजेंट होता क्या है। तो यार देखो यहाँ पे बच्चों करते क्या है, यहाँ पे हम सिल्वर का कार्बोनेट यूज करते हैं, Ag2CO3 हमारा रिएजेंट होता है, यानी कि सिल्वर मेटल बेस्ड है ये, ध्यान देना। ये जो फैटीजोन रिएजेंट है इसको हम बोल सकते हैं सिल्वर मेटल बेस्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इससे पहले मेटल की बात की जाए तो सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में केवल हमारे पास क्रोमियम मेटल के हमने पांच पढ़े थे, अब आ गया हमारा सिल्वर बेस्ड। और इसको हम लेते किस पे यार, इसको हम लेते हैं सिलाइट पे। अभी आप कहोगे सर ये सिलाइट क्या होता है, कुछ नहीं बच्चों, आप पढ़ोगे बेसिकली सिलिका होता है हमारे पास SiO2, ये हम लेते हैं, ये हमारा होता है फैटीजोन रिएजेंट। अब इस फैटीजोन रिएजेंट की खास बात क्या होती है यार, अभी तक किसी रिएजेंट में मैंने ये वर्ड नहीं लिखा और ये यहां मैंने लिख दिया है भाई साहब, इसलिए सबसे ज्यादा स्टार मैं इसको दे रहा हूं। जितने भी ऑक्सीडेशन के रिएजेंट अपने पढ़े वहां पे कोई हमने केमोसेलेक्टिविटी देखने को नहीं मिली यार, ये हाईली केमोसेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, केमोसेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाईली केमोसेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, हाईली केमोसेलेक्टिव, इस वर्ड पे बार बार मैं फोकस करूंगा, ध्यान देना यार, हाईली केमोसेलेक्टिव है। और इसकी केमोसेलेक्टिविटी क्या है वो भी हम देखेंगे, वो भी हम देखेंगे। अब देखो मैं बता देता हूं यहाँ पे इसकी केमोसेलेक्टिविटी, हाईली केमोसेलेक्टिव कैसे है, ध्यान दीजिएगा। इस रिएजेंट की खास बात ये है भाई साहब, ये हमारे पास, अगर मेरे पास सेकेंडरी एल्कोहल गिवन है और प्राइमरी एल्कोहल गिवन है, ये कलाकारी क्या करता है, ये करवाता है ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, ध्यान दीजिएगा भाई साहब। पहला पॉइंट हाईली केमोसेलेक्टिव बोल रहे हैं, केमोसेलेक्टिव मतलब सर किसी को छोड़ेगा किसी को करेगा, और इसकी हाईली केमोसेलेक्टिविटी किसके लिए है, सेकेंडरी एल्कोहल के लिए है। मैं लिख देता हूं क्या करवाएगा, ये करवाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल इन प्राइमरी एल्कोहल। अभी करेंगे हम बहुत सारे एग्जांपल, आपसे ही करवाऊंगा मैं, ये काम करेगा, सही है। बाकी अगर इससे ऑक्सीडेशन का काम पूछा जाए तो यार प्रोडक्ट तो वही बनते हैं हमारे पास,
प्रोडक्ट तो वही बनते हैं, ये भी प्राइमरी एल्कोहल को चेंज करेगा एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में सेकेंडरी एल्कोहल को चेंज करेगा ये कीटोन में, सेकेंडरी एल्कोहल को चेंज करेगा कीटोन में, काम वही करेगा, प्राइमरी एल्कोहल को चेंज करेगा। हाँ बहुत बढ़िया प्रदीप गुप्ता, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ Ag2CO3 SiO2 पे एड्सोर्ब होता है, हाँ मेट बिल्कुल एड्सोर्प्शन का प्रोसेस होता है भाई। प्राइमरी एल्कोहल को चेंज करेगा एल्डिहाइड में, सेकेंडरी एल्कोहल को चेंज करेगा कीटोन के अंदर। लेकिन खास बात इसकी ये है, ये अंडरलाइन कर लेना भाई साहब, पेपर में पता नहीं कितनी बार ये रिएजेंट आपको देखने को मिलेगा, सही है। दूसरी बात, अगर इसकी रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात की जाए, एक बात और मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, रिलेटिव रिएक्टिविटी की बात की जाए तो यार इसकी जो रिलेटिव रिएक्टिविटी है वो बेंजाइलिक और एलाइलिक के लिए लगभग बराबर होता है, यानी कि बेंजाइलिक एल्कोहल आ जाए या फिर आपके पास एलाइलिक एल्कोहल आ जाए, इनकी रिएक्टिविटी लगभग आपकी सेम रहती है। दूसरी बात, लेकिन इसके बाद नंबर आता है सेकेंडरी का और सबसे पीछे आता है प्राइमरी, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है इस रिएजेंट का। समझा नहीं समझे, बोलो भाई कर लोगे, इतनी बात समझ आई या नहीं आई? दोनों बातें यार, ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल इन प्रेजेंस, कहां रिडक्शन लिख दिया यार, कहां रिडक्शन लिखा है भाई, कहीं रिडक्शन तो कहीं लिखा ही नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल, ध्यान देना आगे देखो आगे देखो आगे। यार एक काम और सुनना, अगर मेरे पास दो OH ग्रुप आ जाते हैं, एक लेस हिंडर्ड है और एक मोर हिंडर्ड है, तो ये रिएजेंट आपके पास लेस हिंडर्ड OH वाले ग्रुप का ऑक्सीडेशन करवाएगा, ये बात भी ध्यान देना, समझना भाई साहब, समझना। कोई भी सबस्ट्रेट है, कोई भी सबस्ट्रेट है, नेक्स्ट पॉइंट इसका, मान लो कोई सबस्ट्रेट है उसमें मेरे पास दो OH ग्रुप आ जाते हैं, दो OH ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, मैं यहां सपोज कर रहा हूं एक हमारा लेस हिंडर्ड है, लेस हिंडर्ड OH है और एक हमारा मोर हिंडर्ड है, तो भाई साहब यहाँ पे भी ये केमोसेलेक्टिविटी रखता है, इसको करवाएगा लेस मोर हिंडर्ड को छोड़ देगा, लेस हिंडर्ड वाले OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन करवाएगा। कर लोगे, बोलो भाई साहब कर लोगे, चलिएगा। इसका एक काम और ध्यान से सुनना भाई साहब, एक काम और ध्यान से सुनना, नंबर चार, नंबर चार, इतनी बात तो पढ़ ही ली हमने यार बच्चों, हम पढ़ रहे थे लैक्टोल, लैक्टोल याद करो यार, ये हमारे पास मान लो मैंने छह मेंबर रिंग में ये हमें मैंने बनाया यहाँ लैक्टोल, यार इसकी खास बात ये है ये लैक्टोल को लैक्टोन में चेंज कर देगा, फैटीजोन्स रिएजेंट, फैटीजोन्स रिएजेंट यानी कि Ag2CO3 प्लस सेलाइट, ये हमारे पास लैक्टोन को लैक्टोन में चेंज कर देगा, लैक्टोन को लैक्टोन में चेंज कर देगा, यानी कि यहां पे हमारा O बन जाए भाई साहब। ये सारी बातें थी इससे रिलेटेड, अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चंस, अब आपको मजा आएगा, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से यहां समझते हुए चलेंगे। करें शुरुआत, बोलो बच्चों करें शुरुआत, लो यार शुरुआत करते हैं, सारे एग्जाम्पल रेफरेंस बुक के ही हैं यार, लो पहला एग्जाम्पल मैं शुरू करता हूँ इस रिएजेंट से रिलेटेड, लीजिएगा मान लो हमारे पास यहाँ पे OH ग्रुप है, सही है, और यार यहाँ पे हमारे पास ये ग्रुप बन गया और यहाँ हमें दे दिया यहाँ पे मेंशन करके Ag2CO3 और ये किस पे एडजॉर्ब करवा के देगा, यहाँ सेलाइट आपको मेंशन करके देगा, सेलाइट आपको मेंशन करके देगा SiO2, सही है। सॉल्वेंट कई बार इस रिएक्शन में आपको बेंजीन देखने को मिलता रहता है,
सही है, सबसे पहले क्या पहचानोगे सर जी? पैटिसोन्स रिएजेंट है। ये कौन सा एल्कोहल है सर जी? ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। सर प्राइमरी और सेकेंडरी में प्राइमरी की रिएक्टिविटी कम होती है, सेकेंडरी की ज्यादा होती है। सेकेंडरी को सर कीटोन में चेंज कर देगा। समझ गए यार? अरे बोलो यार। और इधर ध्यान देना भाई साहब, इधर देना ध्यान देना, इधर देना। और इधर हमारे पास दुनिया भर के रिएजेंट पढ़े हमने यार, क्या क्या पढ़े, देखो सब, देखो सब सब सब। पीसीसी, पीडीसी, पीसीसी, पीडीसी, कोलिंस आ जाए, कोलिंस आ जाए, ये सब क्या करते हैं यार? पीसीसी को हम लिख रहे हैं, हाँ पीसीसी लगा लो, पीडीसी लगा लो, ये क्या करेंगे? तो दोनों को कर देंगे, लो इसको भी कर देंगे, और यहाँ पे भी आपके पास क्या बना देंगे? सीएचओ बना देंगे। समझ आया नहीं आया? क्योंकि यहाँ कोई केमोसेल एक्टिविटी की बात नहीं की थी इन रिएजेंट में। बताओ बच्चों, यहाँ कोई हमने केमोसेल एक्टिविटी की बात की? बताओ यार। यार मोफेट ऑक्सीडेशन आ जाए, चाहे मोफेट आ जाए, चाहे सर्ण ऑक्सीडेशन आ जाए, सब उड़ा देंगे सबको, लेकिन केमोसेल एक्टिविटी के नाम पे हमारा ऑक्सीडेशन का पहला रिएजेंट आया, दैट इज फैटिसोन्स रिएजेंट। जो सेकेंडरी और प्राइमरी एल्कोहल में से अगर दोनों सबस्ट्रेट में प्रेजेंट है तो ये सेकेंडरी एल्कोहल का करवाएगा, प्राइमरी एल्कोहल बैठा रह जाएगा। कर लोगे? अरे बोलो यार, लीजिएगा आप। देखो एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल लो यार, सारे केस हम करेंगे आप कवर। देखो थोड़ा ध्यान से करना, क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। लो भाई साहब, लो भाई साहब, यहाँ पे आपको मेंशन करके दे दिया Ag2CO3 सैलाइट, आपको लिख के दे दिया है। बता दीजिएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा? पहले तो एल्कोहल देखो भाई साहब, एल्कोहल देखो, एल्कोहल हाँ भाई पढ़ना है, फैटिसोन्स रिएजेंट तो इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन का। बहुत बढ़िया, मैक्सिम बच्चों ने सही जवाब दे दिया है। हाँ यार देखो, हमने कहा था ना सर, इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर देखो, रिएक्टिविटी का ऑर्डर ध्यान रखो, रिएक्टिविटी का ऑर्डर ध्यान रखो। सर सबसे आगे कौन आएगा? एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक एल्कोहल आएंगे, इन दोनों की रिएक्टिविटी लगभग बराबर, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। अब ये मेरे पास कौन सा एल्कोहल है? सेकेंडरी। यार ये वाला एल्कोहल कौन सा है? एलाइलिक। तो यार ये कौन से का ऑक्सीडेशन करवाएगा? सर ये एलाइलिक वाले का करवाएगा। अरे कर लोगे? तो यहाँ पे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, वो हाँ एल्डिहाइड बन जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल है तो एल्डिहाइड बन जाएगा, ये आपका सेम रहेगा, लीजिएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच। ऐसा काम इससे पहले क्या किसी ऑक्सीडेशन वाले रिएजेंट ने ऐसा काम किया? नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक से एक बढ़िया सवाल करवाऊंगा। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू, पीवाईक्यू देखो, सब बच्चे अपने नोट में करेंगे एग्जाम्पल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, देखो देखो कैसे कैसे आसान सवाल पूछ लेता है, हमें बस पता होना चाहिए यार, और क्या नहीं, बस ये हमें चीजें ज्यादा पढ़नी पड़ती हैं, बाकी कुछ नहीं है यहाँ, बाकी मुश्किल काम कुछ भी नहीं है बच्चों, मुश्किल काम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ये OH लगा के दिया, सबस्ट्रेट आपको दिख रहा होगा अच्छे से, जल्दी से बना दो, प्रोडक्ट क्या बनेगा? लो भाई साहब, लो, लो जी, Ag2CO3 सैलाइट लिख के दिया, थोड़ा सा टेम्परेचर कंडीशन दे दी, हीट अप, बना दो भाई साहब, क्या करोगे, क्या करोगे? यानी ऊपर OH है, सेकेंडरी एल्कोहल है बच्चों, आपने कहा सर यहाँ पे OH का अटैक करवा के लैक्टोन नहीं बन सकता, यार बनाएंगे बनाएंगे मेरे भाई बनाएंगे। बनाएंगे, हमें पता
पांच मेंबर और छह मेंबर ड्रिंक बनाएंगे, पांच और छह मेंबर ड्रिंक बनाएंगे, वो केस भी आएगा, वो केस भी आएगा। गुप्ता वो काम भी करवाएंगे भाई, बहुत बढ़िया है। हमें डिसाइड कर लिया ना सर, हमारे पास ये क्या है, देखो देखो सर, इसकी कैमो सेलेक्टिविटी हमने पढ़ी सर, ये हमारा आ गया एल आई लिक एल्कोल और सर ये हमारा है सेकेंडरी एल्कोल। तो सर प्रोडक्ट में हमारे पास रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसका होगा, एल आई लिक का, और एल आई लिक में हमें पता ही है सर हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, लो यार ये प्रोडक्ट बन जाएगा, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये सेकेंडरी एल्कोल एज डीज रह जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, कर लोगे, बोलो भाई कर लोगे बच्चों, चले आगे। तो यार अब ये प्रदीप गुप्ता जिस केस की बात कर रहे थे, लो उस केस की बात कर लेते हैं, लेकिन हमें पता है यार पांच या छह मेंबर रिंग बनाते हैं हम, देखो 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 अब करके बताओ आप, अब करके बताओ। लो भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, अब करके बताओ इसमें क्या होगा। ये आपके पास बना के दिया हुआ है, इसको मैं यहीं पे लगा देता हूं, यहीं पे ये आपको बना के दे दिया है। अब यहां पे लिख दे आपको Ag2CO3 सेलाइट। यार बहुत बढ़िया एग्जांपल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन है, क्या फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, कीजिएगा ट्राई कीजिएगा क्या बनाओगे, ट्राई कीजिएगा क्या बनाओगे, क्या प्रोडक्ट बनाओगे। क्या प्रोडक्ट बनाओगे, बहुत बढ़िया, फाइव मेंबर रिंग लैक्टोन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो यार, देखो बच्चों यहाँ पे कहानी क्या होगी, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा पूरा नोट करवा के। देखो ध्यान दीजिएगा, समझना क्वेश्चन को बिल्कुल आसान है, क्या करोगे सबसे पहले, देखो बच्चों फिर मैं आपको डायरेक्ट एंटी बता दूंगा क्या करना है, 1 2 3 4 एक पेपर का क्वेश्चन और भी सोल्व करेंगे। सर हमारे पास ये दिया हुआ है 1,4-diol, क्या दिया हुआ है 1,4-diol। देखो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएजेंट की बात करेंगे यार, दोनों हमारे पास ये भी प्राइमरी एल्कोल है और ये भी प्राइमरी एल्कोल है, तो किसी एक पे हमारे पास यार यहाँ पे बन जाएगा एल्डिहाइड प्राइमरी एल्कोल का ऑक्सीडेशन, मान लो हमने यहाँ पे करवा दिया एक पोजिशन पे, तो चार पोजिशन वाला हमारा ओ एच एस डीज रहेगा। यार देखो यहाँ पे रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आपको दिख रहा है और यहां से हमारे पास ये ऑक्सीजन, देखो 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 ये यहाँ पे अटैक कर देगा, तब इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक होगा तो कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी, नंबरिंग ध्यान रखो 1 2 3 4 5। लो भाई साहब क्या बन जाएगा, सर हमारे पास लैक्टोल बनेगा, पहले लैक्टोल, लैक्टोल नंबरिंग याद रखो, नंबरिंग याद रखो,
नंबरिंग इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 सर 5 पोजीशन पे तो ऑक्सीजन है। देख बच्चा ये इधर ओ माइनस जाएगा, इसके साथ ये वाला हाइड्रोजन क्या बना लेगा OH, तो पहले तो बनेगा लैक्टोन। अब आपको पता है कि ये वाला रिएजेंट लैक्टोन को किसमें चेंज कर देता है सर जी, Ag2CO3 सैलाइड लैक्टोन को चेंज कर देता है लैक्टोन के अंदर, किसमें चेंज कर देता है लैक्टोन के अंदर, कर लोगे बोलो यार जल्दी से बताओ बच्चों कर लोगे, किसी को किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो बता दीजिएगा, समझ गए। अब सुन लो ध्यान से सुन लो भाई साहब ध्यान से सुन लो, अब नोट करके ही लिखवा देता हूं, नोट करके लिख लेना, इन केस ऑफ फैटी जोन रिएजेंट अगर मेरे पास 1,4-diol प्रेजेंट है, 1,5-diol प्रेजेंट है, 1,6 पोजीशन पे डायोल प्रेजेंट है, अगर ये मेरे पास है ना तो ध्यान रखना आपको अगर दे दे फैटी जोन्स रिएजेंट यानी कि हमें दे दे Ag2CO3 सैलाइट, बच्चों एक काम करना है क्या, प्रोडक्ट में हमेशा लैक्टोन बनाना है, प्रोडक्ट में क्या बनाओगे लैक्टोन। अब देखो यार इस बात पे देख भाई इस वाले एग्जाम्पल में हमने नहीं किया, क्यों नहीं किया इस वाले एग्जाम्पल में, देख हमारे पास नंबरिंग करेंगे तो 1,2,3, 1,3-diol है, 1,3-diol में मत करवाना, 1,3-diol में मत करवाना, 1,3-diol में मत करवाना, समझ गए ना प्रदीप गुप्ता, आपने सवाल पूछा था ना सर यहाँ पे क्यों नहीं बना लैक्टोन, यार वो रिंग इतनी स्टेबल नहीं होगी, सही है ना, ध्यान रखना 1,3-diol में मत करवाना, ये 1,3-diol का ही तो केस था, 1,3-diol में मत करवाना, कहां करवाओगे बस इन केस में लैक्टोन बनाना है, केवल इन्हीं केस में बनाना है, मैं लिख देता हूं यहां पे कहीं आप बना दो 1,2-diol आ जाए वहां मत बना देना, 1,3-diol आ जाए वहां मत बनाना, कहां बनाओगे 1,4-diol 1,5-diol 1,6-diol सीधा प्रोडक्ट बना लोगे, अच्छा जब आपने कहा था 1,4 था, अच्छा ओके भाई ओके चलो आगे चलते हैं यार, देखो बच्चों अब डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओगे, डायरेक्ट आपको बता दी मैंने ट्रिक बता दी क्या करना है, लो भाई साहब यहाँ पे हमारे पास ये बना के दे दे और यहाँ पे लिख दे Ag2CO3 यहाँ पे आपको दे दे सैलाइट, बना दो प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट बनाओगे जल्दी से प्रोडक्ट बना दीजिएगा, आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने इस रिएजेंट से रिलेटेड, कर लोगे हाँ 1,6 है ना, 1,6 है तो बना दो 1,6 में क्या दिक्कत है, 1,2,3,4,5,6 सर 6 है तो हमारे पास 7 मेंबर रिंग का बन जाएगा, तो बना दोगे, अगर यहीं पर ये 5 मेंबर तक का होता तो फिर क्या करते, देखो मान लो एक मेंबर यहां मैं कम कर देता हूं, लो भाई साहब यहाँ पे क्या करते
H3CO3 सैलाइट क्या करोगे सर? नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5 डायोल है, बना दोगे क्या? बना दोगे इलेक्ट्रॉन। 1, 5 है तो कितने मेंबर का बनेगा? 6 मेंबर का बनेगा। 1, 6 था तो कितने मेंबर का बनेगा? 8 मेंबर का बनेगा। बोलो यार, किसी को कोई समस्या? चलिएगा यहां 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 लो लो लो, लीजिएगा 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 लीजिएगा। Ag2CO3 यहां पे क्या करोगे? यहां पे क्या करोगे बताओ भाई साहब, यहां पे क्या करोगे? रिंग फॉर्मेशन होगी क्या? यहां पे रिंग फॉर्मेशन होगी? हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर जी। 1, 2 डायोल है और दोनों के दोनों कैसे हैं? सेकेंडरी एल्कोल है, नो रिंग। 1, 2 डायल में नो रिंग, कोई रिंग नहीं बनेगी भाई साहब, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं बनेगा। 1, 4 की बात हुई थी हमारी, 1, 5 की हुई थी, 1, 6 की हुई थी, वो हमने कर लिया। केवल दोनों सेकेंडरी हैं तो दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बोथ चेंजेस इनटू कीटोन, दोनों के दोनों कीटोन में चेंज हो जाएंगे। समझ गए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके बताओ। पीवाईक्यू बढ़िया क्वेश्चन है, आराम से देखो कैसे सवाल बना के देता है। यहां तो ऑक्सीजन है और यहां पे आपको मेंशन करके दिया है OH, ये भाई साहब बिल्कुल आसान सवाल कर दोगे आप तुरंत। Ag2CO3 सैलाइड C6H6 इंजीनियर एज ए सोलवेंट लिया जाता है कई बार रिएक्शन में। बना दो प्रोडक्ट, बना दो। बताओ यार कितना ही मुश्किल सवाल आ जाए, कोई दिक्कत होगी? कोई समस्या होगी तुरंत उड़ा दोगे। लो सर, सबसे पहले देखो सर, ये देखो 1, 2, 3, 4 1, 4 डायल है तो सर जी 1, 4 डायल में तुम्हारे पास बन जाएगा। क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बताओ भाई साहब, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? कुछ नहीं सर। अब देखो यहाँ पे हमें कुछ देखना नहीं, ये हमारे पास यहाँ पे डायोल हम बना देंगे यहाँ पे। ये यह हमारे पास सर यहाँ लैक्टोन बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा,
और इधर हमारे पास ये प्रोडक्ट हमारा ऐसा यही बन जाएगा, फाइव मेंबर्ड इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अरे बोलो भाई, लो यार एक सवाल और करके देखो, एक सवाल और करके देखो। ये सब रिएक्शन के स्टेप में इन्वॉल्व हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, ध्यान देना। यहां आपके पास OH है, यहां आपके पास OH है, यहां आपको दे दिया Ag2CO3 सेलाइट, बनाओ भाई साहब क्या बनेगा, Ag2CO3 सेलाइट बना दीजिएगा भाई साहब। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बना दीजिएगा। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, बताओ। सबसे पहले आपको पता है ये वाला कौन सा एल्कोल है सर, ये हमारा एलाइलिक एल्कोल है, एलाइलिक एल्कोल। ये हमारा कैसा है सर, ये प्राइमरी है। तो जब आपके पास ये रिएजेंट आएगा तो सर हमें पता है ऑक्सीडेशन किसका होगा सर, एलाइलिक वाले का होगा, एलाइलिक वाले का। तो बच्चों इस पोजिशन पे क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, क्योंकि प्राइमरी है तो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। अब यार ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पे कैसा अटैक कर देगा न्यूक्लियोफाइल का, तो हमारे पास ये कितने मेंबर की रिंग बन जाएगी। देखो नंबरिंग आप कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल है, 1 2 3 4 5 पांच मेंबर की रिंग बना दो, आराम से बना लो रिंग, जैसा आपका मन करे वैसे बना लो, नंबरिंग जैसे करना चाहो वैसे कर लो, लीजिए बस नंबरिंग के अकॉर्डिंग चीजों को रख दो। सदी पांच नंबर पे ऑक्सीजन है, बिल्कुल सही बात है सर। एक पोजीशन पे हमारा OH ग्रुप लग जाएगा, बिल्कुल सही बात है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। अब आपको बताया सर ये बन गया हमारा लैक्टोन, क्या बन गया लैक्टोन, हमारे पास ये लैक्टोन को किसमें चेंज कर देता है लैक्टोन में, ये प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे ऑक्सीजन। कर लोगे यार, बोलो भाई कर लोगे, समझ गए, कर लोगे, फैटिसोम्स रिएसेंट कर लोगे, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यार। कर लोगे, लो यार एक और एग्जांपल, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल, ध्यान दीजिएगा, एक और एग्जांपल, ये और ट्राई करो यार, यार बच्चों ये सवाल और ट्राई करो, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। यहां मैंने लगाया है OH, ये एग्जाम्पल आपके सामने, और यहां पे आ जाए Ag2CO3 सेलाइट। लो बड़ा बढ़िया एग्जाम्पल है, प्रोडक्ट पूछ ले आपसे कि भाई साहब बनाओ इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट यहां बनेगा यार। ऑप्शन आपके लिए मैं बना देता हूं, ऑप्शन मैं आपके लिए बना देता हूं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन,
सी ऑप्शन। लो यार बड़ा बढ़िया सवाल है बच्चों, ट्राई करो क्या ऑप्शन बनेगा आराम से, जल्दबाजी नहीं भाई, जल्दबाजी नहीं। मैकेनिज्म सिखाया आपको, मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग चलो। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से करना है। दो दो मैकेनिज्म आपको पढ़ाया गया है, उस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग यार बहुत बढ़िया, मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है सर, सी बनेगा यार, ये होगी बात। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। किसी को कोई दिक्कत हो तो भाई इसके मैकेनिज्म को पढ़ लेते हैं यार, बढ़िया सवाल है ये भी, इम्पोर्टेंट सवाल है, ऐसा केस नहीं आया है, क्या पता पूछ ले एग्जाम ही ना। कर लोगे? लो यार इसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों सबसे पहली बात, आपके पास क्या दिया हुआ है सर? हमारे पास यहाँ पे ना एक तो एलाइलिक अल्कोहल दिया हुआ है, ये वाला देखो, ये वाला प्राइमरी अल्कोहल, ये वाला एलाइलिक अल्कोहल, नंबरिंग करके देखो 1 2 3 4 5। सर जी हमारा फैटीजोन्स रिएजेंट आएगा, फैटीजोन्स रिएजेंट आएगा, क्या करवाएगा सर? इसकी रिएक्टिविटी एलाइलिक के लिए ज्यादा है, पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा सर? ये बन गया हमारे पास यहाँ पे एल्डिहाइड, यही बन गया, ये हमारे पास बन गया, सही है। तो यहाँ पे देखो आप एक बार नंबरिंग करके देखो, 1, नंबरिंग ध्यान रखना, नंबरिंग गलती नहीं होनी चाहिए, 2 3 4 5। सर यहाँ पे हमारे पास अब ये अटैक कर देगा इस पोजिशन के ऊपर। तो देखो बच्चों यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग दू तो इसको 6 नंबर दे देते हैं ऑक्सीजन वाले को, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ नंबरिंग करनी होती है ना, यही यहाँ पे अटैक करेगा, यही यहाँ पे अटैक करेगा। तो आपको पता चल जाएगा कितने मेंबर की रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 6, लीजिएगा 6 मेंबर की रिंग बना लीजिए, 6 मेंबर की रिंग आप बनाओगे। जब यहाँ पे 6 मेंबर की रिंग आप बनाओगे ये हमारे पास बन जाएगा, सही है। तो यहां से हम देखें 1 2 3 4 5 6 ये बन जाए, ठीक है भाई साहब। हमारे पास क्या है, 1 पोजीशन के ऊपर कौन आएगा सर? ऑक्सीजन आ जाएगा। 6 पोजीशन के ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा सर? 6 पोजीशन पे OH बन जाएगा। डबल बॉन्ड कहाँ है सर? 5 और 4 के बीच। अब सर फैटीजोन्स रिएजेंट अगर आएगा तो ये हमारे पास बना देगा यहाँ पे ये बन जाए। काम इस रिएजेंट के याद होने चाहिए आपको, सही है, और हमें इसको इतना ही पढ़ना है भाई। फैटीजोन्स रिएजेंट हम पढ़ा रहे हैं यार, लेकिन यहाँ पे हम यार इतने रिएजेंट पढ़ेंगे, किसी रिएजेंट में हमें रिसर्च नहीं करनी, हमें यहाँ पे सीखना है ये क्या काम करता है, और उन बातों को हमें याद रखना है, उस रिएजेंट का मैकेनिज्म क्या है, किस किस को कैसे रिड्यूस करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा या रिड्यूस करेगा, सही है। तो मैक्सिमम बच्चों ने सही जवाब दिया है, तो इसी के साथ आपका फैटीजोन्स रिएजेंट समाप्त हो जाता है। यार एक बार फिर से देख लो, एक दो रिएजेंट और आज मैं कवर करवाऊंगा, देखो
फैटी ज़ोन्स में देखो भाई साहब, याद रखना यहाँ से हमने शुरू किया मोफेट ऑक्सीडेशन एक हमने कवर किया यार, मोफेट ऑक्सीडेशन क्लियर होना चाहिए बच्चों पूरा मैकेनिज्म। अब फैटी ज़ोन्स रिएजेंट की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है, हाईली केमोसेलेक्टिव है, ध्यान रखना ऑक्सीडेशन करवाता है सर सेकेंडरी एल्कोहल का इन प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहल। फिर हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है, बेंजाइलिक और एलाइलिक सेम रहते हैं, फिर सेकेंडरी का नंबर आता है, सबसे पीछे आता है हमारा प्राइमरी। हाँ यार इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट है ये रिएजेंट, हर जगह इंपॉर्टेंट है। तो सबस्ट्रेट में अगर दो OH आ जाते हैं तो एक लेस हिंडर्ड को करवाएगा, एक मोर हिंडर्ड को करवाएगा, तो ये वाला OH लेस हिंडर्ड OH को ऑक्सीडाइज करवा देगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे फैटी ज़ोन्स रिएजेंट में Ag2CO3 सैलाइट आएगा तो ये केस बन जाएगा। ये सारे केस भाई साहब हमने कर लिए हैं, इतना ही आपको ध्यान रखना है जितने भी पॉसिबल। हाँ ये यार डायोल वाली बात याद रखना, डायोल वाला केस याद रखना, 1,4 डायोल आएगा तो फैटी ज़ोन्स रिएजेंट क्या करवाएगा, वो सारे केस आपको याद रखने हैं, सही है। 1,5 डायोल आएगा तो भी बन जाएगा, 1,6 डायोल आएगा तो भी बन जाएगा। बोलो बच्चों कर लोगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये सवाल आपका रीफॉर्मेशन हो जाएगी, लैक्टोन को लैक्टोन में चेंज कर देता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे करवा दिए, लास्ट वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कर लोगे यार प्रदीप, जो आप बात पूछना चाह रहे हो भाई Fe+3H2O2 के साथ, यार मैं देख के बता दूंगा क्या आप केस पूछना चाह रहे हो, सही है ना। बाकी इतना फैटी ज़ोन्स में आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यार इतनी बातें आपको याद रखनी है, सही है। फेंटोस रिएजेंट, आप फेंटोस पढ़ेंगे यार, आगे पढ़ेंगे, इसी के साथ यार एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे ना मेरे भाई, एक सीक्वेंस से पढ़ेंगे, ऐसे हर चीज को नहीं घुसाएंगे, हमें याद भी रखने हैं ना उसी प्रकार से। अभी तक जितने भी रिएजेंट पढ़े हैं हमने, वहां पे केवल हम किसका ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, शुरू से लेके क्रोमियम बेस्ड से लेके हमने स्वर्ण ऑक्सीडेशन पढ़ा, स्वर्ण सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, अब हमने फैट ज़ोन रिएजेंट पढ़ा, मोफेट ऑक्सीडेशन पढ़ा, सब में हमारा सबस्ट्रेट एल्कोहल है ना। पेंटोस रिएजेंट भी कवर कर लेंगे यार, कवर करवा दूंगा भाई, पेंटोस भी कर लेंगे भाई साहब। जैसे इंडक्शन में हमने सब कुछ कवर किया है, ऐसे ही इसमें सब कुछ कवर करेंगे। जी जी वहां पे भी एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होता है, होगा। चलिएगा अब देखो यार इसी के साथ ना एक रिएजेंट और हम खत्म कर लेते हैं, दैट इज टेम्पो। ये क्या होता है यार, देखो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें, पहले तो यार आपको टेम्पो पता होना चाहिए, टेम्पो क्या होता है, ये होता है टेट्रामिथाइल पिप्रिडीन ऑक्साइल। देखो ये हमारा बन गया पिप्रिडीन, यहाँ पे ऑक्साइल, यहाँ पे 4 MA ग्रुप, ये हमारा होता है टेम्पो ग्रुप, सही है। अब इसके साथ हमारे पास और स्पीसीज टेम्पो में क्या क्या यूज की जाती है यार, इसके साथ आपको देखने को मिल सकता है, मेनली आपको जनरली तो देखने को मिलेगा NaOCl, ये आपके पास रिएजेंट होता है। अब इस रिएजेंट की खास बात क्या है, ध्यान देना, हाँ ये भी ऑक्सीडेशन करवाएगा, टेम्पो भी ऑक्सीडेशन करवाएगा। अब ये इसके साथ क्यों मैं पढ़ा रहा हूं यार, इसका लॉजिक क्या है, ध्यान दीजिएगा, समझना एक बार। देखो भाई साहब अगर टेम्पो की अगर हम बात करें यार, ये हमारे पास माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसा है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहली बहुत बात तो ये आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी अगर मैं बात करूं यार, ये भी आपका क्या करवाता है, काम वही करवाएगा, क्योंकि सर हम एल्कोहल वाला पोर्शन खत्म कर रहे हैं, प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में ही चेंज करवाएगा और सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में चेंज करवाएगा,
सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में चेंज करेंगे, प्राइमरी एल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी एल्कोहल को कीटोन में, ध्यान दीजिएगा। हाँ, अगर मैं इसकी बात करूं, टेम्पो की बात करूं, यहाँ पे खास बात ध्यान देना जो आपको याद रखनी है यार, ये भी हाई केमोसेलेक्टिव है, हाईली केमोसेलेक्टिव। ये इसके साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं, देखो अभी आपको पता चल जाएगा टेम्पो हम फैटिसोम्स के साथ क्यों पढ़ रहे हैं मेरे भाई। ये हमारे पास क्या करवाएगा, इसकी जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है, इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर प्राइमरी की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सेकेंडरी। प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है इसमें एज कंपेयर टू सेकेंडरी। इतनी ही बात आपको याद रखनी है बस इसमें, सही है ना। कर लोगे भाई साहब टेम्पो का केस याद रखोगे? हाँ, फैटी जोन से अपोजिट होता है, फैटी जोन से अपोजिट होता है यार। यहाँ पे वो हमारे पास सेकेंडरी का करवाता है, ये हमारे पास प्राइमरी का करवाएगा, सही है बच्चों? देखो मान लो हमारे पास ये सबस्ट्रेट दे दिया, देखो ये सबस्ट्रेट हमारे पास दे दिया है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, ध्यान दीजिए। और यार इधर हमें दे दे यहाँ पे टेम्पो, और इसके साथ हमें देगा NaOCl, और इधर आपको दे दे Ag2CO3 सेलाइट। करवा लोगे? अरे बोलो भाई, दोनों हाई केमोसेलेक्टिव है, ये हमारा सेकेंडरी एल्कोहल, ये हमारा प्राइमरी एल्कोहल। तो यार टेम्पो तो आपके पास सेकेंडरी एल्कोहल को एज इज छोड़ देगा, सॉरी सेकेंडरी एल्कोहल को एज इज छोड़ देगा और प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा देगा। यानी कि प्राइमरी की जगह हमारे पास क्या बना देगा सर, यहाँ बना देगा एल्डिहाइड। अगर मैं बात करूं ये इधर वाला, सर ये हमारा था फैटिसोम्स रिएजेंट, फैटिसोम्स रिएजेंट, ये हमारे पास फैटिसोम्स रिएजेंट जो होगा सर, ये हमारे पास क्या करवा देगा सर, प्राइमरी को एज इज रख देगा और सेकेंडरी का ऑक्सीडेशन करवा, टेम्पो हमारे पास ये काम करवाए वाले केस को याद रखना बच्चों, टेम्पो वाले केस को याद रखना, ये हमारा किससे उल्टा है, टेम्पो किससे उल्टा है, टेम्पो हमारा उल्टा है फैटिसोम्स रिएजेंट से उल्टा है। लेकिन अभी तक जितनी मैटर मैंने आपको बताया, इससे आगे अगर इसके बारे में कुछ मिलता है तो मैं जरूर आपसे शेयर करूंगा, लेकिन जितनी बात मैंने यहाँ बताई है वो आपको ध्यान रखनी है टेम्पो के बारे में, सही है? कर लोगे? प्राइमरी एल्कोहल की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी सेकेंडरी एल्कोहल से, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भाई इतने केस आपको याद रखने बच्चों।
इतने केस आपको याद रखने हैं टेम्पो में, अभी तक इतनी बात याद रखनी है। तो आप ये कह रहे हो ये अगर मुझे मिलता है तो ही मैं आपको बताऊंगा, सही है ना? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बताऊंगा कि इस रिएजेंट में भी ये हो जाएगा। भाई जितना मिला है वो आपको बता दिया है, लेकिन आपने जो सवाल पूछे हैं इनको मैं जरूर फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, सही है? नेक्स्ट लेक्चर जब होगा आपको जवाब मिल जाएगा ऑक्सीडेशन के अगले लेक्चर में। ऑक्सीडेशन के अगले लेक्चर में बच्चों डेफिनेटली बता दूंगा मैं, सही है ना यार? जितनी बातें यहां खत्म की है यार इतनी आपको अच्छे से आनी चाहिए, सही है? हाँ, तो जो भी आपका डाउट होता है यार, कई बार जैसे आपके अब दिमाग में जो सवाल आगे हैं, सही है, इनको मैं कवर करवा दूंगा, सही है? टेंशन मत लीजिएगा, सही है बच्चों? तो यार ये अच्छे से पढ़ते रहना, जितने भी मैंने अभी तक रिएजेंट के आपके लेक्चर करवाए हैं, सही है? और यार कल से देखो बच्चों, थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ यार, अभी मैं एक बात और, थोड़ा सा जो रिडक्शन वाला पोर्शन जो हमारा बच गया था ना, रिडक्शन वाला, रिडक्शन बेस्ड जो कुछ नेम रिएक्शन बच गई थी, वो हम कल से शुरू करेंगे, सही है? तो कल से हमारी जो बची हुई रिडक्शन बेस्ड नेम रिएक्शन है, मैं आपको बता देता हूं, वो आपकी शुरू हो जाएंगी, सही है? तो ऑक्सीडेशन भी चलता रहेगा, जितने रिएजेंट अभी तक ऑक्सीडेशन के मैंने पढ़ाए उनको आपको अच्छे से कवर करना है। दूसरा, इसके साथ साथ अब जो रिडक्शन बेस्ड नेम रिएक्शन थी, जैसे वोल्फ किसलर रिडक्शन है, सही है ना, जैसे रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन है, पिनाकोल कपलिंग रिएक्शन है, सही है, जैसे आपकी मैकमरी कपलिंग रिएक्शन है, जैसे आपकी एसाइलोन कंडेंसेशन है, तो यार आने वाले लेक्चर में वो नेम रिएक्शंस मैं कवर करवाऊंगा, सही है? तो प्रेजेंट रहना टाइम पे 6 PM पे, सही है? इस वीक हम रिडक्शन बेस्ड नेम रिएक्शन जितनी भी है वो सारी मैं कवर करवा दूंगा, सही है? रिएजेंट तो हमने पढ़ लिया, जैसे मेटल डिसॉल्विंग रिडक्शन हमने खत्म किया था ना, बर्च रिडक्शन हमने खत्म किया था, उसमें हमारे पास जैसे रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन रह गई थी, वो आने वाले कल और परसों जो लेक्चर नेक्स्ट आएंगे उनमें कवर हो जाएंगे, सही है? रिडक्टिव क्लीवेज रिएक्शन, रिडक्टिव कपलिंग रिएक्शन, वोल्फ किसलर रिडक्शन, सही है? तो यार अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बाकी आज की क्लास में बच्चों मैंने खत्म जो करवाया है, रिएजेंट हमारे कितने नंबर तक पहुंच गए बताओ भाई साहब, कितने नंबर तक पहुंच गए ऑक्सीडेशन में? टेम्पो में कौन सा नंबर डाले, टेम्पो में कौन सा नंबर डाले बताओ? पैटिसोंस रिएजेंट नंबर 8 पे था, तो टेम्पो आपका नंबर 9 पे हो गया भाई साहब। एक एक रिएजेंट का हिसाब किताब हमें रखना है, ये नंबर 9 हो गया, एक एक ऑक्सीडेशन का रिएजेंट हमारा टिप्स में होना चाहिए, सही है? 5 हमारे किसके भाई साहब, क्रोमियम बेस। 2 सर हमने किसके पढ़े, DMSO। 1 हमने किसका पढ़ा, सिल्वर का। और 1 हमारे पास कौन आ गया, अब हमारे पास टेम्पो आ गया, 9 नंबर। हाँ ऐसे याद करते हो, चलो यार वैसे थोड़ी याद होंगे। और पहले जब भी लेक्चर में कोई लेक्चर खत्म करता हूं, एक बार आप खुद से नो के नो रिएजेंट लेक्चर खत्म होते ही अपने नोट में लिख के देखो, पहले तो हमें यही तो पढ़ना है ना, रिएजेंट ही पहले याद होने चाहिए, सही है ना? तो 5 तुरंत क्रोमियम वाले लिख दोगे, फिर 2 हमारे पास सर जी कौन से आ गए, DMSO वाले, स्वर्ण ऑक्सीडेशन, और दूसरा हमारा मोफेट ऑक्सीडेशन। और सर फिर हमने पढ़ा कौन सा, पैटिसोंस रिएजेंट, और उसके बाद हमने पढ़ा टेम्पो, सही है? ऐसे करते हुए चलो धीरे धीरे सारे रिएजेंट आप याद कर लो, सही है बच्चों? थैंक यू सो मच यार, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। और ध्यान रखना आज जो कहानी होगी, आज जो कहानी होगी मैं बता देता हूँ, टूडे 9 PM, 9 PM क्या, 8:45 PM ही है भाई, ध्यान रखना टाइम ध्यान रखना, 8:45 PM ही है। क्या शुरू करूंगा, ऑर्गेनिक IR पढ़ लीजिएगा भाई साहब, ऑर्गेनिक IR रिवाइज कर लीजिएगा, लाइव टेस्ट है, लाइव टेस्ट, ऑर्गेनिक IR लाइव टेस्ट, तो पढ़ के आना अच्छे से, सारी पीक याद करके आना, सारी रिवाइज करवा दूंगा, याद है ऑर्गेनिक IR, पढ़ के आना अच्छे से, रिवाइज करके आना। 9 बजे 8:45 PM पे मिलूंगा ऐप के ऊपर, सही है? थैंक यू सो मच बच्चों, इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं। 8:45 नहीं भूलना है, टाइम पे क्लास में आना है, तभी आपको मजा आएगा, चलिएगा।